Bridge is damaged, unsafe to use. ओ यार काबल तू बर्बाद है यार, ये पूरा आर्मी एरिया यार, उन्होंने लिखा हुआ डैमेज है यार। मेरी बड़ी ख्वाहिश है बॉर्डर देखने की यार, देखने ही नहीं देते बॉर्डर। ओ भाई वो सामने देखो यार आप, वो सामने पाकिस्तान है। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शांति ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ यार सारे लोग बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए यार, उम्मीद ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को पता है यार ऐसे कोई भी बढ़िया नहीं होता यार। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, पहले तो भाई मैं कावल के घर जा रहा हूँ, वहां से होते हुए हम जा रहे हैं नुशहरा। अब नुशहरा जा रहे हैं, उसके आगे जो होगा भाई ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग देखना आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं जल्दी जाऊंगा कावल के घर पे। भाई अब यहाँ पे हम करते हैं वेट, आता तो निकलते हैं यहाँ से, बस पहुंचने ही वाला था, मैंने करी है उसको कॉल, बोलता आ गया हूँ। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा है ना, हम इस रोड से जा रहे थे, पहले मैं कभी नहीं गया इस रास्ते से, आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। कावल को मैंने उठा लिया घर से, अब नुशहरा पहुंचना है, अब एक दो घंटे तक हम नुशहरा पहुंच जाएंगे। ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में ना कुछ दिखाने को है नहीं है, मैं सीधा ही वहां पहुंचूंगा भाई। एक ही बार सुबह जब निकलेंगे ना वहां से, तभी आपको अच्छे तरीके से व्यू दिखाऊंगा, जिधर जाएंगे हम वो भी दिखाएंगे। अब रास्ते में क्या दिखाऊंगा आपको मैं, अभी अंधेरा भी होने वाला, बट ये थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखा देता हूँ मैं। अब ये नया रास्ता ना भाई, नया रास्ता तो आपको दिखाना बनता है ना, आगे भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद सीधा हम जाते हैं नुशहरा, फिर उसके बाद मिलता हूँ यार आपको सुबह ही। ब्रिज इज डैमेज अनसेफ टू यूज, वाह लर्सी देखते हैं अब होता क्या आगे। ओ भाई ओ नहीं 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 नहीं, ओ शिट 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 शिट। भाई डे टू हमारा हो रहा है यहाँ से स्टार्ट, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि हम कहाँ पे रुके थे। फिलहाल पहले यहाँ से निकले ना, ये रास्ता बड़ा गंदा यार। फाइनली गाइस हम निकल गए यहाँ से यार, रात को रुके थे हम कलसिया। तो यार कलसिया आपको पता नहीं होगा है ना, मैं बता देता हूँ आपको, कलसिया जो ना नुशहरा से 13 किलोमीटर आगे पड़ता है भाई, बॉर्डर एरिया, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ है यार। रात को हम सोए हुए थे ना, तो हमें यार गोलों की आवाज आ रही थी भाई, आती है नेचुरल सी बात है, यहाँ पे बॉर्डर के पास है तो ये काम नहीं होगा तो कहाँ होगा। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि आज की जो राइड है ना वो कहाँ की होने वाली है भाई, वो हम जाने वाले हैं आज बाबा खोड़ी। मैंने यहाँ पे सुना बहुत प्यारी जगह, कावल के जीजू बता रहे थे, आई मीन मेरे भी जीजू बता रहे थे यहाँ पे बाबा खोड़ी जाओ पहले आप, कुछ चीजें हैं वहाँ पे जो चीजें आज तक बताई नहीं गई हैं, वो मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। अब चलते हैं गाइस, अब मिलता हूँ आपको वहाँ पे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाबा खोड़ी है कहाँ पे और कैसा है भाई, वहाँ पे बहुत कुछ है। फिलहाल आज की राइड में और आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस बने रहना ब्लॉग के साथ, क्योंकि आपका भाई घर से बाहर निकल चुका है। और जिधर हम जा रहे हैं ना वहाँ पे भी बॉर्डर के पास है, शूट करने देते हैं नहीं करने देते ये नहीं पता भाई। ये रास्ता आता है नुशहरा से और ये जाता है यहाँ से बाबा खोड़ी, और वो सीधा जाता है आगे कलसिया वाली साइड। देखो यार मंदिर कितना प्यारा है यहाँ पे, चलते चलते दिखा हमें, बट कितना प्यारा वो देखो ऊपर से जंगल, देखो यार कितना ज्यादा घना है ना भाई, डर लगता है और प्यारा भी बहुत है यार। ये पूरी डिफेंस रोड है यार, अब डर भी लगता है कि यार शूट भी नहीं कर सकते आर्मी वाले ना देखे, बट मैं शूट वहां से कर रहा हूँ जिधर जिधर आर्मी नहीं है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, जिधर आर्मी होगी वहां पे शूट करूंगा नहीं। बाकी इंजॉय करो यार ब्लॉग को, पूरा वॉच करो, क्योंकि आपका भाई बोर नहीं करता आपको। चलते चलते क्या पता हम ही गलत आ गए यार, अब यहाँ पे कोई घर भी नहीं है ना कि किसी को पूछे, कोई दिख रहा भी नहीं है। चलते चलते यार वो सामने भी थी एक रोड और गांव भी उधर था, क्या पता हमें वहां से क्रॉस करके उधर से जाना पड़ता था, पता नहीं, कंफर्म करते हैं। अगर आप प्रॉपर लोकेशन पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए तो फिर क्या फायदा है ब्लॉग बनाने का, हमें भी पता नहीं है कहां पे जाना है कहां पे नहीं है, क्योंकि रास्ता हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। अगर नेटवर्क होता ना फिर हम आराम से भाई लोकेशन लगाते जहाँ पे हमने जाना है और आराम से पहुंच जाते वहां पे, पहले नेटवर्क ही नहीं था चल रहा यार। सो गाइस फाइनली ना बड़ी देर रुकने के बाद हमें अपनी लोकेशन पता लगी है, क्योंकि यार नेटवर्क नहीं था। अब नेटवर्क जिधर आया ना वहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे भी अभी ना 9 किलोमीटर दूर बता रहा है रास्ता, 9 किलोमीटर हमें अभी और चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। जीजू ने बताया था मेरे को रात को कि जो बाबा खोड़ी है ना वहाँ पे ना बहुत सारी दरगाहें हैं, परिवार के साथ वहाँ पे रहते हैं सारे मिलजुल के, और उन्हीं का एक चेला था वो जीजू और उनके घर के पास भाई वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो बाकी जितने भी परिवार वाले सदस्य हैं वो इधर ही ऊपर बाबा खोड़ी वाली साइड रहते हैं।
ये वाला रास्ता आता सुंदरबनी से और ये वाला जाता भाई बाबा खोड़ी, वो देखो 5 किलोमीटर है अभी भी। और ये वाला रास्ता आता सीधा निशारा से, यहाँ से सीधा जाओगे ना तो सुंदरबनी और यहाँ से आपको राइट टर्न करना है। अब मैंने राइट किया ना, तो आप अगर सुंदरबनी से आओगे तो आपको लेफ्ट टर्न करना है, अगर आप निशारा से आओगे तो फिर मेरी तरह राइट टर्न करना है। अब मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि यार मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी जगह यार, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना तो मजा आता है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने में। कितनी हाइट पे आ गए हुए, वो सामने दिख रहा नुशारा भाई, आप ये सामने देखो कितना ज्यादा डेंजरस रास्ता है। तो इसी रास्ते के ऊपर ना भाई आर्मी रहती है भाई, यहाँ पे सल्यूट है आर्मी को यार, इस जगह पे रहती है कि जिस जगह पे भाई इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है। बाबा कोड़ी यही है, बाबा कोड़ी। तो गाइस बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ यार, यहाँ पे वीडियो बनाना ना मना कर दिया हुआ, हमें वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पे, फिर भी बना रहा हूँ छुप के। बंद करना इसी दरवाजे, दरवाजा नहीं, दरवाजा बंद कर यार, वो दरवाजा बंद कर, बंद कर। सो गाइस यार सच में बड़ा डर लग रहा है यार, मैनेज करो करो, वैसा आपको दिखा सकता हूँ मैं भाई। आना सारे दरवाजे खोली तकने ना, इधर ये तक सारे परिवार है ना तकने ना, सारे परिवार है, ये भी खोल, सारी जगह दर्शन करने। हाँ खोल, पक्का 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 यार, खोल 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 खोल। हाँ ये रे, मतलब सब है ना, हनुमान जी है, जय हनुमान जी। ये बड़ी दरगाह आ गई, देख अंदर परिवार है पूरे। चल इतने भी कर दर्शन भाई, पूरी फैमिली है यहाँ पे। तगे काम कोई आना तो नहीं। A few moments later. So guys, यहाँ पे ना सच में बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, बट ये लोकेशन मेरे को दिखी थी और बाइक देखो मैं कहाँ लेके आ गया हूँ। वो सामने पूरा नुशारा दिख रहा है, ये गांव है जहाँ से हम आए हैं, आज रात को हम रुके थे, ये सामने नीचे है और यहाँ पे देखो आप नीचे जंगल। ये आगे हम रोड पे स्पेशल आपको दिखाने के लिए भाई मैं वहाँ पे गया हूँ भाई, कितनी प्यारी जगह पे आ गए। वो देखो मंकी भी है यहाँ पे यार, मेरी बड़ी ख्वाहिश है बॉर्डर देखने की यार, देखने ही नहीं देते बॉर्डर भाई। वीडियोस तो चलो ठीक है नहीं बनाता भाई, मैं खुद तो देख लूँ, मैं खुद भी नहीं देख पाता यार। अब बोल रहे हैं आगे है, आगे से दिखता बॉर्डर, अब वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं बॉर्डर दिखता है कि नहीं दिखता। अब इन जगहों पे वीडियो बनाना भाई, किसी ने मेरे को देख लिया ना उन्होंने इंसल्ट करनी है यार मेरी, मैं फिर भी बना रहा हूँ पूरा बॉर्डर एरिया यार। तो यार खाने को कुछ मिला नहीं हमें, हमने मैगी तो उठाई हुई है साथ में, बट हमें कोई जगह नहीं मिल रही जिधर हम मैगी बना के खा पाए। इधर हमें समोसे मिले तो हमने सोचा क्यों ना यार समोसे खाते हैं, अब समोसे खा के फिर निकलते हैं, मैगी देखते हैं आगे बना लेंगे, है ना भाई। बिना खाए भी निकलना पड़ता है, कभी कभी खाना भी नहीं खाना होता। अब मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, तो अब सुबह से निकले हुए भाई, तो ब्लॉग तो देना आपको है ना, है ना बोल, ये है ना नहीं बोलूंगा अब मैं यार, मैंने ना है ना कट करना है अब। तो गाइज मेरे मुंह से निकल जाता कभी कभी, अंकल जी को पूछा समोसे कब के बनाए हुए, बोल रहे थे कि आज ही बनाया, सुबह बनाया, ताजे समोसे थे, खाते हैं यहाँ के समोसे। दुकान तो मिली ना कम से कम यहाँ, यहाँ पे कोई भाई आर्मी के सिवाए कुछ मिल रहा ही नहीं था। अब यहाँ पे घर आए हैं, दुकान मिली है यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो घर है ना वो कैसे रहते होंगे यार, वो हर घर में ना मतलब बंकर बनाए हुए हैं। अब हमें बॉर्डर क्लियर तरीके से देखना है, अब अंकल जी को पूछते हैं, वो बोल रहे हैं अंकल जी है इधर बॉर्डर, मतलब कुत्थू लभना है बॉर्डर। तो गाइस अभी अंकल जी बोल रहे हैं यहाँ से ना आपको जाना पड़ेगा आगे, और वहाँ पे एक लेफ्ट साइड रोड जाएगी और वहाँ से निकल जाना आगे, दुर्गा माता का मंदिर आएगा और दुर्गा माता का मंदिर हाइट पे है, तो वहाँ से आपको वाटर मिल जाएगा। यार मोमोज और समोसे खाए यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्टी थे। अब हम जा रहे हैं दुर्गा माता मंदिर, वहाँ से बोलते हैं कि बॉर्डर दिखता है, अब वहाँ पे भी जाके देखते हैं दिखता है या नहीं दिखता। सो गाइस हमें ना दुर्गा माता का मंदिर दिख चुका है यार, वो सामने उन्होंने बोला था कि सीढ़ियाँ आएंगी, वहाँ पे आपको बाइक लगानी पड़ेगी और वहाँ से आप चले जाना। अब क्या कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से कैमरा सेट किया हुआ है हमने, गाइस हमने अभी वो पता वहाँ पर जाना है। जय माता दी, जय माता दी। वो सामने देखो यार आप, वो सामने पाकिस्तान है भाई, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, दिख नहीं रहा होगा बट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी छुप छुप के।
आना यार कावल, डर लगना यार। ओए आना, एक कैमरा ऊपर लगे यार। तो गाइस ये देखो ना, घर भी है यहाँ पे यार, काम कर रहे हैं लोग, बट ये घर ना भाई पहली लाइनअप के अंदर है यार। A few moments later. सारी जगह एंट्री करवाने के बाद ना, लास्ट एंट्री जिधर करवा रहे थे ना भाई, वो पता क्या बोल रहे थे, बोलते वापिस पीछे चले जाओ, यहाँ से वही बंदे जाएंगे जो यहाँ से जिनको हमने पहले भेजा होगा, और बोल रहे आप तो फोन लेके गए थे। मैंने बोला फोन नहीं लेके गए थे, बोलते क्योंकि हमारे गेट से जो भी बंदे जाते हैं हम उनका फोन अपने पास ही रख लेते हैं, आगे नहीं जाने देते। जाने दूं? जाने दूं? कल कोशिश करूं? कल कोशिश कर, ए जाने देते हैं। जगह नहीं यार। जाएगी यार, क्यों नहीं जाएगी? ए इधर से जाएगी? नहीं जाएगी। ए इधर से जाएगी? इधर से जाएगी। सो गाइस मैगी तो बनाई हमने, मैगी खा भी लिया और बहुत ज्यादा मजा आया। अब सुबह से हमने मैगी उठा के साथ साथ में लेके जा रहे थे, अभी जाके हमें टाइम मिला क्योंकि ऊपर ना आर्मी एरियाज थे, उसकी वजह से हम वहाँ पे मैगी नहीं बना सकते थे, हमने यहाँ पे मैगी बनाई। अब हम घर को वापस निकल रहे हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल का ब्लॉग इससे भी और ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी जय श्री राम अपने भाइयों को।